तो कल मैंने एक वीडियो डाला था टॉप 5 मॉडल सिमुलेटर मैनेजर करके, जहां पे आप लोगों ने काफ़ी भर भर के प्यार दे रखा है और वो वीडियो भाई एकदम बूस्ट करके भाग रहा है एकदम तेज़ी से। इसलिए आप लोगों को सबसे पहले लव यू। एंड उसमें काफ़ी सारे लोगों ने बोला था कि गेम प्ले सीरीज लाओ, गेम प्ले सीरीज लाओ, एंड आपका इंतजार का घड़ी ख़त्म होता है। तो आज मैं अपना गेम प्ले में देखते हैं मॉडल सिमुलेटर में क्या क्या चीज़ें अचीवमेंट कर पाते हैं, क्या क्या चीज़ें अनलॉक कर पाते हैं, एकदम लेवल 1 से और लेवल 100 तक जाने वाले हैं। सो सबसे पहले आप अगर चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब कर दें एंड हम बढ़ते हैं वीडियो की ओर। सो भाई मैं आ चुका हूँ गेम के अंदर एंड आप देख सकते हो कि यहाँ पे मोटेल एंड सुपरमार्केट और गैस स्टेशन वगैरह आपको देखने को मिल रहा है। रिसेप्शन में हमारा वो ऑफिस है जहाँ पे हम रूम रेंट लगाने वाले हैं और पैसे काटने वाले हैं। छी यार, क्या गंदा रूम बना के रखे हो भाई। मतलब यार पैसे देकर लिए हैं तो भाई आप साफ कर भी तो हमें दे सकते हो ना। देखो तो सबसे पहले मेरा काम है यहाँ पर साफ सफाई करना। हाँ वो अलग बात है कि मैं अपना घर में साफ सफाई कभी नहीं किया हूँ, बट यहाँ पर मुझे करना है क्योंकि पैसा कमाने की जब बात आए तो फिर कुछ भी आदमी कर बैठता है भाई। फटाफट क्लीन करते हैं। वैसे क्लीन पूरा हो चुका है एंड अब मैं शायद इस रूम को रेंट पर लगा सकता हूं, लेकिन उसके लिए मुझे स्टोर से भाई कुछ प्रोडक्ट है जो मुझे मंगाना पड़ेगा, बोले तो फर्नीचर वगैरह मंगाना पड़ेगा, जो कि काफी सारे आपको यहाँ पे बेड वगैरह ऑप्शन है, सिंक है, सोफा है, टेबल है, टॉयलेट है, टीवी है। डेकोरेशन के लिए आपको यहाँ पे काफी सारे डिफरेंट चीजें देखने को मिल जाता है और न्यू अपडेट के बाद ये गेम और भी ज्यादा बेस्ट हो चुका है। देखो वैसे मैं इस गेम में लगभग 40,000 रुपये अर्न कर चुका था, लेकिन मैंने सोचा क्यों ना इसे स्टार्टिंग से और फिर से आप लोगों के सामने मैं बनाकर दिखाऊंगा भाई। डॉलर ही डॉलर होगा हमारे पास। फिलहाल देखो ये सब बातें मैं बाद में भी कर सकता हूं, बाकी फटाफट से मैं ऑर्डर कर लेता एंड ऑर्डर मेरा डन हो चुका है। बट इस गेम की एक अच्छी बात भी बोल सकते हो या फिर आप एक खराब बात भी बोल सकते हो। यहाँ पे आप जब सामान ऑर्डर करोगे तो आपके सामने घर के सामने ही आपका जो ऑर्डर है वो पता नहीं ऊपर से कैसे टपकता है, बट आई डोंट नो, बट भाई वो चीज आपके लिए बेस्ट भी हो सकता है या फिर आपके लिए वो चीज बैड भी हो सकता है। क्योंकि बेस्ट इसलिए है क्योंकि फटाफट सामान आता है तो आप फटाफट डेकोरेशन भी कर सकते हो। तो अभी मैं जो डेकोरेशन का आइटम्स जो मैं मंगाया हूं वो मैं धीरे धीरे भाई यहां पे लाकर और एक बढ़िया सा घर में अभी मैं इसे कन्वर्ट करने वाला हूं, एकदम लग्जरियस रूम बनाने वाला हूं। वो अलग बात है कि अभी हमारे पास डॉलर नहीं है, बाकी जितना भी है मैं उससे बेहतर बनाने का कोशिश करूंगा। बाकी कुछ सामान है जो कि अभी भी बचे हुए हैं तो इन्हें मैं फटाफट से लगा देता हूं एंड उसके बाद में देखता हूं कि रूम हमारा कैसा दिखता है। एंड ये लास्ट रहा सोफा जो कि अपने जगह पर जा चुका है। अब मेरी बारी है पेंट करना, वो भी एकदम लग्जरियस वाले पेंट की तरह। मतलब देखो पेंट लगाने के बाद ना घर और भी ज़्यादा ब्यूटीफुल बन जाता है। अब मैं अभी आपको दिखाता हूँ कि कैसे वो चीज़ होता है। अब देखो सबसे पहले मुझे सीलिंग पेंट, फ्लोर पेंट एंड वॉल पेंट को ऑर्डर करना पड़ेगा, जो कि मैंने कर दिया एंड ये मेरे सामने आ चुका है। अब एक एक करके मैं बारी बारी से लगाता जाता हूँ। तो सबसे पहले मैं सीलिंग वाले हिस्से को पेंट कर देता हूँ और ये चीज़ मुझे काफ़ी ज़्यादा बेस्ट लगा, जिसमें दोस्तों आपको एक एक कॉलम करके आपको पेंट करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। ये अपडेट आने के बाद काफी ज्यादा मतलब कि इजीली हो चुका है पेंट करने में। तो सीलिंग वाले हिस्से कंप्लीट हो चुके हैं, अभी बचा है फ्लोर एंड वॉल पेंट। तो फटाफट से जल्दी से पेंट कर लेते हैं ताकि भाई हम भर भर के पैसा कमा सकते हैं इस गेम में। और आपको पता होगा कि थंबनेल देखकर, क्योंकि भाई मैं 0 से $40,000 तक जाने वाला हूं। हाँ हो सकता है कि इस वाले पार्ट में मैं ना जा पाऊं, बट आपको गेम सीरीज आपको मिलता रहेगा जब तक कि मैं यहां पे आपको राजा बनकर ना दिखाऊं, बोले तो गेम में, बाकी ओरिजिनल का मुझे पता नहीं। तो बातों ही बातों में मैंने वॉल वाले हिस्से को पूरी तरह से पेंट कर दिया एंड अभी बचा है फ्लोर वाले हिस्से, जो कि मैं फटाफट इसे भी पेंट करने वाला हूं। तो ये रहा और ये आपके सामने हो चुका है कंप्लीट। ऑलराइट गाइस, अब देखते हैं हम अपना मॉडल को चालू कर पाते हैं या फिर नहीं। तो सबसे पहले मुझे जाना होगा रिसेप्शन वाले हिस्से में एंड आप देख सकते हो कि कितना ज़्यादा लग्जरियस रूम लग रहा है। वो अलग बात है कि यहाँ पर अभी आपको बेड वगैरह जो फर्नीचर वगैरह आपको देखने को मिल रहा है वो ओल्ड जनरेशन का आपको लग रहा होगा, बट मैं धीरे धीरे जैसे रूम को ओपन करता जाऊंगा आपको एकदम नेक्स्ट लेवल का चीजें आपको देखने को मिलेगा इस गेम में। तो मैं फटाफट से चलता हूं और यहां पे ऑन करके देखता हूं। अभी मेरा जो डॉलर बनने वाला है इस रूम से $36 तक मैं इसे कमा सकता हूं। बाकी यहां पे आपको रिपेयर फर्स्ट रूम, हो सकता है मैंने कुछ गड़बड़ किया जिसके कारण मेरा वो रूम जो है अभी भी रिपेयर करने के लिए बोल रहा है। तो देख लेते हैं एक बार कुछ बचा तो नहीं। नाउ प्लेस बेडशीट। अच्छा सॉरी, यहां पे मुझे अभी बेड पे जल्द
जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। बेडशीट लगाना पड़ेगा जो कि आपको पता होगा कि ऊपर से बिछाने के बाद आपको काफी अच्छा लगता है देखने में, तो फटाफट से मैं उसे भी एक ऑर्डर करता हूँ और फटाफट बिछा देता हूँ। तो भाई जो बेडशीट था वो मैं बिछा दिया हूँ एंड ये है मेरा रिसेप्शन ऑफिस जहाँ पे आपको काफी तगड़े लेवल का डेकोरेशन देखने को मिल रहा होगा। एंड मैंने मोटेल को अभी ओपन कर दिया है, वो अलग बात है कि कस्टमर अभी नहीं आएगा क्योंकि भाई ये नया नया ओपन हुआ है और एक ही रूम है हमारे पास, तो हो सकता है कि धीरे धीरे मैं ज्यादा से ज्यादा ग्रोथ कर पाऊँ इसके में और बहुत सारा पैसा कमा पाऊँ। यहाँ पे आपको स्विमिंग पूल वगैरह देखने को मिल जाएगा जो कि अभी भी कमिंग सून में है, मतलब कि अभी भी आया नहीं। साथ ही आपको यहाँ पे कार वॉश वगैरह भी देखने को मिल जाता है, स्टोरेज रूम देखने को मिलेगा, लॉन्ड्री रूम आपको देखने को मिल जाएगा और अभी मैं देखो इस सुपर मार्केट को भी ओपन करूंगा इस वाले गेम में। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ कि अपने मॉडल वाले ऑफिस में चलता हूँ और देखता हूँ कोई कस्टमर है या नहीं। ओ भाई साहब जल्दी आओ यार, अंदर आओ भाई, मुझे पैसे कमाने हैं भाई, जल्दी आओ, मैं आपका वेट कर रहा हूँ। तो ये मैं सबसे पहले इसे एक रूम दे देता हूँ, $37 का रूम है हमारा और मैं इसे दे देता हूँ। तो ये जैसे ही हमारा रूम में जाएगा फिर से मुझे उसे क्लीन करना होगा, तो भाई साहब जल्दी जाना और जल्दी से बाहर आना ताकि मैं ढेर सारा पैसा कमा पाऊँ। जब तक अंकल जी बाथरूम में है तब तक मैं आपको ऊपर वाले फ्लोर वगैरह दिखा देता हूँ जो कि पूरे के पूरे अभी लॉक पड़े हैं क्योंकि भाई मुझे सारे के सारे रूम को अनलॉक करना है और तभी मैं पैसे वगैरह कमा पाऊँगा। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमारा जो कस्टमर है एक और न्यू कस्टमर एड हो चुका है और इसे भी मैं अभी रूम देने वाला हूँ। अंकल को देख के लग रहा भाई कि इसे बाथरूम बहुत जल्दी जाना है, तो मैं फटाफट से साफ कर लेता हूँ वरना पता चले यार मेरा रिसेप्शन को भी ये गंदा कर दिया। सॉरी अगर कोई खाना खा रहा है तो मुझे माफ कर देना भाई। बाकी ऑल राइट गाइस, यहाँ पे मैंने क्लीन कर दिया, रूम इज रेडी हो चुका है एंड मैं मोटेल को देने वाला हूँ फिर से दोबारा रेंट पर। फर्स्ट रूम $37 फिर से मेरा प्रॉफिट होने वाला है। तो ये अंकल अपना चाबी पकड़ो एंड जाओ अपना रूम में और अपने पेट को खाली करो क्योंकि आपका शक्ल देखकर मुझे ऐसा ही लग रहा है कि आपको बहुत तेज आई है। बाकी दोस्तों मैं अभी अपना रूम को एक अनलॉक करने वाला हूँ सेकंड रूम को। बाकी फटाफट से मैं इसे भी क्लीन कर लेता हूँ। वैसे देखो मैं जितना भी रूम को अनलॉक करूंगा मुझे दोबारा से क्लीन करना ही पड़ेगा क्योंकि भाई वो पहले से गंदा है, तभी तो मैं डेकोरेट करूंगा एकदम खतरनाक तरीके से, बोले तो जलवा है हमारा। ऑल राइट गाइस, तो रूम पूरा तरह से क्लीन हो चुका है और देखो मेरे पास अभी डॉलर बहुत ही कम बचा है क्योंकि देखो अगर मैं एक अच्छा सा रूम को बनाना चाहता हूँ, डेकोरेट करना चाहता हूँ तो भाई उसमें पैसा दबा के खर्चा करना होगा, तब जाके वहां से भर भर के पैसे भी आने वाले हैं। तो देखो फाइनली ये बंदा निकल चुका है एंड रूम को मैं क्लीन कर दिया। बाकी एक मैडम जी भी अंदर आ रही है, देखते हैं उससे बात करके नंबर वगैरह देती है तो बात करेंगे बाद में। बाकी यहाँ पे मेरा कस्टमर है $37 का रूम, इसे भी दे दिया। बाकी दोस्तों ये पैसा वगैरह आते जाते रहेंगे बट लड़की जो है वो नहीं आती है भाई। पता नहीं भाई हम लड़के बने ही क्यों हैं, कुछ समझ भी नहीं आ रहा है भाई, एकदम जिंदगी बेकार चल रही है। बाकी चलो मोटेल से पैसा अगर मैं बहुत भर भर के कमाया तो मैं एक दिन भाई रूस जाऊँगा घूमने के लिए। अब आपको पता है कि मैं रूस क्यों जाऊँगा। बाकी ऑल राइट गाइस, मजाक की बातें मैं बाद में कर लूँगा, पहले पैसा कमाना है दबा के। अब देखो जैसे ही मेरे पास $500 कंप्लीट होगा वैसे ही मैं ओपन करने वाला हूँ सुपर मार्केट को जहाँ से पैसा दबा के कमाने वाले हैं। और हाँ मुझे पता है कि स्टार्टिंग में मुझे काम काफ़ी ज़्यादा करना पड़ेगा, तो वो चीज़ करने के लिए मैं रेडी हूँ। बाकी क्लीन कर देता हूँ ये कूड़ा को, डस्टबिन में डालता हूँ एंड रूम फिर से हो चुका है रेडी और फिर से मैं एक कस्टमर को अपना मोटेल फिर से दे देता हूँ। फटाफट चलते हैं एंड ये रहा पीसी, पीसी को करते हैं ओपन। फर्स्ट रूम $37, ये मैंने दिया चाबी एंड हो गया कंप्लीट। ओ वेट, लेवल 2 भाई साहब कंप्लीट हो चुका है एंड थोड़ा सा तो अचीवमेंट मैं कर पाया हूं इस गेम में, ठीक है। बाकी यहां पे रिसेप्शन के अंदर काफी ज्यादा भीड़ लग चुकी है। देखो इसका पीछे रीजन बस यही है कि अभी मेरे पास सिर्फ एक रूम है और मैं उसे क्लीन करूंगा, उस पे कस्टमर थोड़ा देर तक रुकता है, उसके बाद ही मैं भाई इसे फिर से दोबारा रेंट पर दे सकूंगा। फिलहाल यहां पर जो कचरा था उसे मैंने साफ कर दिया एंड अभी मैं रिसेप्शन के अंदर चलता हूं और वहां पे जो कस्टमर है उसे मैं रूम रेंट पर देने वाला हूं। बाकी ये रहा मेरा पीसी एंड $37 चाबी के साथ में। एंड फिलहाल मैडम जी अंदर जा रही है, मैडम जी मुझे भी ले लो यार, ले लो ले लो। अरे ये क्या भाई साहब, ये तो मुझे इग्नोर ही कर दिया ऐसे जैसे मेरे पास कुछ है ही नहीं।
बाकी देखो यहाँ पे अभी काफ़ी सारे लोग हैं एंड इसे मैं फटाफट से रूम देता हूँ और काफ़ी ज़्यादा पैसा कमाने के बाद। ऑल राइट गाइस, तो यहाँ पे मैं $500 कंप्लीट कर लिया एंड अब मैं सोच रहा हूँ कि रूम को डेकोरेट करें या फिर सुपरमार्केट को ओपन किया जाए। बस मेरे पास अब एक ही चांस है, मैं सुपरमार्केट को ओपन करने वाला हूँ एंड ये मैंने सुपरमार्केट को भी ओपन कर दिया। फटाफट सुपरमार्केट के लिए जो भी प्रोडक्ट मैं बेचने वाला हूँ उसे मैं मंगाऊंगा, लेकिन उससे पहले मुझे यहाँ पे क्लीन करना पड़ेगा हमेशा की तरह। कुछ कचड़े वगैरह हैं जो कि मैं फटाफट से साफ कर लेता हूँ। जितने भी कचड़े थे उसे मैंने डस्टबिन में डाल दिया एंड अभी मेरा काम है यहाँ पे सफाई करना, तो मैं फटाफट से साफ भी कर देता हूँ। तो सारा कचड़ा मैंने साफ कर दिया एंड अभी मेरा सुपरमार्केट थोड़ा खाली खाली है, बाकी मैं पहले प्रोडक्ट मंगाऊंगा एंड सारे के सारे फिर उसे मैं शॉप में डिलीवर करने वाला हूँ। एंड उससे पहले मैं इस रूम को क्लीन कर देता हूँ ताकि मोटेल में जो कस्टमर अभी भी खड़े हैं उन्हें मैं रूम ये वाला दे सकूँ, ताकि भाई देखो मैं उधर अपना काम भी करूंगा और इधर से भी पैसा बनता रहेगा। बाकी फटाफट इस भाई को रूम देता हूँ। भाई को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे कई दिन से नहाया नहीं है। बाकी ये है हमारा एलईडी जहाँ से अभी मैं सुपरमार्केट के लिए अपना जो प्रोडक्ट है वो मैं मंगाने वाला हूँ। तो अभी मेरे पास ज़्यादा कुछ ओपन नहीं है इसलिए मैं फल वगैरह मंगाने वाला हूँ एंड डेफिनेटली इस सुपरमार्केट में फल वगैरह को बेचने के बाद जो रेवेन्यू जनरेट होगा फिर से मैं दोबारा और भी ज़्यादा महंगे महंगे सामान को यहाँ पे लाने वाला हूँ अपने सुपरमार्केट में। सो फटाफट से इस बॉक्स को सबसे पहले मैं लेता हूँ एंड यहाँ पे जो फल वाला जो बॉक्स है उस पे मैं रख देता हूँ फटाफट से। एंड अभी भी काफ़ी सारे जो चीज़ें हैं उसे मैं फटाफट से अंदर करना पड़ेगा ताकि भाई देखो अच्छी सेल होगा तभी मैं कुछ चीजें अनलॉक कर पाऊंगा। बाकी यहाँ पे मोटेल वाले कस्टमर जा चुके हैं और फिर से मैं इसे क्लीन कर देता ताकि ये जो अपना रूम है मैं इसे दोबारा अपने रेंट पर लगा सकता हूँ। बाकी आप देख सकते हो कि यहाँ पे कस्टमर की लाइन लगी हुई है और देखो मैं मोटेल को बंद करने वाला आज बिल्कुल भी नहीं हूँ भाई, सब पूरा का पूरा पैसा आज चाप के कमाना है। तो फिलहाल मुझे सुपर मार्केट को ऑन करना है क्योंकि वहां पे जो प्रोडक्ट था वो मैंने कुछ कुछ ऐड कर दिया जैसे कि फल वगैरह, तो मैं फटाफट उठे ऑन कर दिया एंड देखते हैं वहाँ पर भी कस्टमर वगैरह आते हैं तो मैं वहाँ पर भी दूंगा और मोटेल वाला भी हैंडल करने वाला हूँ। मतलब कि एक साथ मुझे सुपरमार्केट को और मोटेल वाला दोनों मुझे हैंडल करना पड़ेगा, तो थोड़ी बहुत मुश्किल होने वाली है क्योंकि भाई पैसा कमाना है तो फिर मुझे ये नहीं देखना होगा कि मैं क्या कर रहा हूँ क्या करने वाला हूँ। तो आप देख सकते हो कि सुपरमार्केट में कस्टमर वगैरह भी आना चालू हो गया है, यहाँ पर कस्टमर की लाइन लग चुकी है सुपरमार्केट में भी एंड जो मैं फल वगैरह जो लाया था वो सारे के सारे बिकना चालू हो गया है। बाकी मैं इसे सबसे पहले अंडी को पैसा घुमाता हूँ एंड ये रहा मेरा फल एंड इस भैया ने भी अच्छे खासे फल लिए हैं तो इसे मैं 61 रुपीज घुमाने वाला हूँ, रिटर्न करने वाला हूँ। सो फटाफट से रिटर्न करता हूँ एंड मैं फिर से इस सारे कस्टमर को देने वाला हूँ। भाई यहाँ पर देखो एक चीज अच्छी बात है, आप यहाँ पे कैश भी और डेबिट कार्ड भी दोनों से ले सकते हो, तो ये चीज मुझे काफी ज्यादा बेस्ट लगा। तो जब तक यहाँ पर कस्टमर की लाइन लगेगी सुपर मार्केट में तब तक मैं दोस्तों रिसेप्शन वाले में जाके ऑफिस में एंड मैं वहाँ पर जो कस्टमर खड़े हैं उन्हें मैं रूम रेंट पर देने वाला हूँ। तो फटाफट से चलते हैं एंड इसे रूम देने वाला हूँ। हाँ भैया ग्रीन कलर का शर्ट पहन के आए, छपरी हो क्या, मुझे क्यों तोड़ा भाई। $37 ये मुझे फिर से दिया है एंड मैं एलईडी से प्रोडक्ट मंगाने वाला हूँ अभी भर भर के। देखते क्या क्या ओपन हुआ है यहाँ पे, मतलब काफ़ी चीज़ें ओपन हो चुकी है एंड मैंने ऑर्डर भी कर दिया। मैं थोड़ा सा ना और सामान ऑर्डर करने वाला हूँ क्योंकि भाई देखो पैसा तो अभी है ही, तो मैं चाहता हूँ सुपर मार्केट पूरा भरा भरा अगर लगेगा तो भाई सामान ज़्यादा बिकेगा, मतलब पैसा ज़्यादा बनेगा। एंड अभी मैंने ऑर्डर पर डाला ही था कि प्रोडक्ट हमारे सामने है, तो सबसे पहले सुपर मार्केट के अंदर चलते हैं एंड इस बॉक्स को मैं रखता हूँ इस रेक पर। एंड अभी आपको ना सुपर मार्केट थोड़ा सा खाली खाली लग रहा होगा बट भाई आप सिर्फ देखते जाओ, आप ना लास्ट तक गेम प्ले देखना क्या क्या मैं करता हूँ, बस आप देखते जाओ। ये दूसरा बॉक्स मैंने उठाया है एंड इसे भी मैं ओपन करने के बाद डायरेक्ट आपको रखने वाला हूँ ये फल वाले जो रैक है उसमें एंड मैं फटाफट से इसे भी रख देता हूँ। सुपर मार्केट में भी कस्टमर भर भर के आना चालू हो गया, वो अलग बात है कि अभी सामान हमारे पास ज़्यादा नहीं है, प्रोडक्ट ज़्यादा नहीं है जिस कारण से सेल उतना ज़्यादा नहीं हो पा रहा है। एंड अभी मुझे इन सब के पैसे वगैरह काटना है जो कि ये सामान वगैरह खरीदे हैं, तो यहाँ पे मुझे रिटर्न करना 33.80। तो फटाफट इन सब के पैसे वगैरह काट के मैं जाने वाला हूँ अभी रिसेप्शन ऑफिस में क्योंकि भाई वो भी ओपन है, तो वहाँ पे भी कस्टमर लोग आए होंगे और वहाँ पे भाई बहुत ज़्यादा भीड़ रहता है। ऑल राइट गाइस, तो फिलहाल बहुत ज़्यादा पापड़ बेलने के बाद मैं level 3 भी कंप्लीट कर लिया। अब देखो भाई सीन कुछ ऐसा है कि अब मैं यहाँ पे कैशियर हायर करने वाला हूँ सुपर मार्केट के लिए, क्योंकि भाई आप देख सकते हो कि मैं दोनों चीज़ को हैंडल करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो गया है। बाकी सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको रूम दे देता हूँ आंटी जी। मुझे क्यों तोड़ा
बाकी मैं यहाँ पे एक कैशियर हायर करने वाला हूँ, तो सबसे पहले मुझे स्टाफ में जाना है और यहाँ से कैशियर वाले ऑप्शन पे आने के बाद मुझे हायर करना है एक कैशियर को 2 दिन के लिए। फिलहाल सुपरमार्केट में भी सामान वगैरह खत्म होने वाला है, तो मैं यहाँ से काफ़ी ज़्यादा सामान अब ऑर्डर करने वाला हूँ, क्योंकि भाई देखो सुपरमार्केट में जितना ज़्यादा सामान रहेगा उतना ही ज़्यादा यहाँ पे सेल होने वाला है, और ज़्यादा सेल होने का मतलब है कि मैं काफ़ी सारी चीज़ों को अनलॉक कर पाऊंगे। एक ही चीज़ को बार बार नहीं बोलने का मन करता है, क्योंकि भाई आप लोग समझदार हो, समझते ही होंगे। एंड इस गेम में दोस्तों मुझे एक चीज़ काफ़ी ज़्यादा एडिटेट कर देता है भाई, मतलब लिटरली परेशान हो जाता हूँ। देखो होता यह है कि जितना भी सामान मैंने ऑर्डर किया, अब मुझे भाई एक बॉक्स को उठाना है और फिर से मुझे सुपर मार्केट के अंदर आना है, मतलब एक एक बॉक्स करके मैं जाकर रख सकता हूँ। एक अगर रेक रहता तो मैं सारा सामान को एक ही बार में लोड करके और सुपर मार्केट के अंदर ले जाता, तो ये वाला सिस्टम अगर आ जाता तो मज़ा ही आ जाता भाई। बाकी देखो मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, तो मुझे एक एक करके ही सामान को अंदर रखना होगा, बट फिर भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि दोस्तों मैंने कैशियर हायर कर लिया है, तो यहाँ पे जितना भी अब जो काउंटर का सामान है, मतलब पैसा वगैरह जो काटने का काम करेगा, वो हमारे अपना कैशियर कर लेगा। एंड फिलहाल मुझे मोटेल को हैंडल करना है, और साथ ही दोस्तों वो जो सुपरमार्केट का जो प्रोडक्ट वगैरह मैं मंगाऊंगा उसे जाकर रेक पर रखना है, मतलब सुपरमार्केट के अंदर जाकर रखना है, ताकि अच्छी से सेलिंग हो पाए और जो कंटिन्यू हमारा जो डॉलर है वो बनता रहे, ताकि मैं अच्छी कमाई कर सकूँ। और देखो सुपरमार्केट का जितना भी सामान मैंने ऑर्डर किया था वो सारा का सारा आ चुका है, अब मैं फटाफट इसे अंदर रखना पड़ेगा, क्योंकि देखो यहाँ पे सेलिंग वगैरह हो चुकी है पूरी की पूरी, अब सुपरमार्केट खाली खाली लग रहा है, तो मुझे ये फटाफट से भरना होगा। और देखो एक चीज अच्छा हो गया कैसे रखने के बाद, देखो मैं जब तक इधर सामान वगैरह रखूंगा तब तक उधर सेल भी होगा, तो ये चीज मुझे अब काफी ज्यादा अच्छा लगने लगा। एंड मैं सेकंड रूम को भी रेडी करने वाला हूँ, और पेट्रोल पंप बोले तो गैस स्टेशन को भी ओपन करने वाला। फिलहाल देखो सुपरमार्केट में कोल्ड ड्रिंक से रिलेटेड कुछ भी आइटम्स नहीं था, तो मैं उस चीज को भी मंगा लिया हूँ इस बार, और भाई अच्छी खासी सेल होने वाली है और लगातार काम चलेगी, क्योंकि भाई रुकने वाला मैं नहीं हूँ। बाकी फिलहाल मुझे ये रूम को साफ करना होगा, क्योंकि यहाँ पे काफी कचड़ा वगैरह है, तो इसे मैं साफ कर देता हूँ ताकि रूम रेंट पर फिर से मैं दे सकूँ। और भाई देखो अभी $37 ही बन रहा है इस रूम से। ऑल राइट गाइस, तो $1000 यहाँ पे मैं कंप्लीट कर लिया, और मैं अब सोच रहा हूँ कि कुछ न कुछ चीज को ओपन करना ही पड़ेगा। बाकी देखो गेस्ट असोसिएशन को ओपन करने से पहले सेकंड वाले रूम को मैंने पहले ही ओपन कर लिया था, तो उसके लिए डेकोरेशन का सामान जितना भी मंगाना था वो सारे के सारे मैंने ऑर्डर कर दिया। बाकी फिलहाल यहाँ पे कस्टमर की लाइन लगी हुई है। भाई देखो यहाँ पे एक चीज और प्रॉब्लम है, अगर ये चीज अगर सॉल्व कर दिया जाए तो फिर मजा ही आ जाएगा। देखो मोटेल में भाई कस्टमर आता है और मुझे लगता है कि थोड़ा ही देर रुकता है और वो फिर बाहर निकल जाता है, जिससे होता यह है कि मुझे बार बार मोटेल के अंदर जाना पड़ता है, क्लीन करना पड़ता है, फिर से कस्टमर के पास आना पड़ता है, रूम देना पड़ता है, मतलब ये चीज अगर सॉल्व हो जाता तो फिर मजा ही आ जाता। एंड इसी के साथ मैं 4th लेवल भी कंप्लीट कर लिया, और मेरा सेकेंड रूम आप देख सकते हो कि कितना ज्यादा जबरदस्त लग रहा है देखने में। और अब मैं दोनों रूम से कमाई करने वाला हूँ। फिलहाल एक बॉक्स ये रहा, ये है सीलिंग पेंट, जो कि सीलिंग वाले हिस्से को मैंने पेंट नहीं किया था, भूल गया था, तो मैं उसे जल्दी से कंप्लीट कर लेता हूँ, और उसके बाद मैं इस रूम को लगाने वाला हूँ रेंट पे। हाँ हो सकता है कि उतना भी डॉलर मुझे नहीं मिलेगा, बट फर्स्ट वाले रूम से तो मुझे ज़्यादा ही मिलेगा, तो समझ लो कि अब मैं दोनों से अर्निंग करने वाला हूँ, मतलब जबरदस्त तरीके से अब मैं पैसा कमाने वाला हूँ। रूम के लिए एक बेडशीट चाहिए, तो मैं एक बेडशीट ऑर्डर करवा लिया था एक्स्ट्रा, तो मुझे स्टोरेज रूम अभी मैं ओपन नहीं किया हूँ, क्योंकि लेवल उतना नहीं है, तो मैं बाहर में फेंक दिया था भाई, क्योंकि आपका भाई काफ़ी ज़्यादा रईस है, ठीक है, वो अलग बात है कि असलियत में है या नहीं वो मुझे भी नहीं पता। बाकी देखो यहाँ पर रिसेप्शन में ऑफिस में भीड़ तो भाई एनी टाइम लगा हुआ रहता है। बाकी कस्टमर को रूम देने से पहले मुझे रूम को क्लीन करना होगा, तो ये मैं कचरा को डालता हूँ डस्टबिन में। एंड देखो अभी मेरे पास दो रूम खाली पड़े हैं, एंड अभी मेरे पास दो रूम है, तो मैं दो कस्टमर को एक बार में दे सकता हूँ रूम। फिलहाल $37 वाले जो रूम है वो मैं इस दीदी को दे रहा हूँ, और बाकी जो अगले कस्टमर है उसे मैं देने वाला हूँ $68, वो भाई अभी भी इनकम्प्लीट है, बोले तो वहाँ पे महंगे महंगे चीज लगा हुआ नहीं। एंड फिलहाल जब तक वो कस्टमर अपने मॉडल के अंदर है, तब तक मैं इधर सुपर मार्केट का जो सामान है, प्रोडक्ट है, वो मैं इधर मंगवा लेता हूँ, ताकि भाई सेल अच्छा खासा हो पाए। तो फटाफट से मैंने सारे सामान ऑर्डर कर दिया जो कि बाहर अभी आने वाले हैं, जो कि टपकता है बारिश की तरह। बाकी फिलहाल एक बॉक्स आ चुका है मैंगो का, जो कि है, एंड इसे मैं ले चलता हूँ सुपरमार्केट के अंदर, एंड इसे मैं रखने वाला हूँ अपने रेक में। तो फटाफट से इसे मैं रेक में रख देता हूँ। बाकी सुपरमार्केट के अंदर मैंने कैशियर हायर कर लिया था, तो यहाँ पे भाई फटाफट एकदम काम कर रहा है भाई, कैशियर भी अपना लगा हुआ है मुझे बड़ा बनाने में, वो अलग बात है कि कैशियर भिखारी बन जाएगा। अच्छा।
जाएगा। बाकी मैं यहाँ पे अमीर बनने वाला हूँ। बाकी सेकंड रूम को भी मैंने क्लीन कर दिया और फर्स्ट वाले रूम को भी अभी बाकी है, उसे भी मैं क्लीन कर देता हूँ, तो फिर साथ में दोनों को एक ही बार में मैं रेंट पर देने वाला हूँ दोनों रूम को। भाई साहब इतनी भीड़ तो पुष्पा 2 मूवी जब आएगी उस समय थिएटर में नहीं होगी जितनी भीड़ अभी हमारे मोटेल में है। तो यहाँ पे $37 वाले जो रूम है वो मैं इस आंटी को दे दिया एंड इस सर को मैं दे देता हूँ 68 वाले। नहीं मतलब आप खुद देखो भाई, इतना ज्यादा भीड़ है हमारे मोटेल में भाई, मतलब कि पूछो ही मत, पूरा हैंडल करना होता है भाई। इसलिए मैं फटाफट से रूम को भी अनलॉक करने वाला हूँ, लेकिन उससे पहले मुझे गेस्ट असिस्टेंट को ऑन करना पड़ेगा। वैसे मेरे पास इतना पैसा मैं अर्न कर लिया था उस टाइम पे कि मैं गेस्ट असिस्टेंट को ओपन कर सकता था, बट भाई देखो मैं $200 को खर्च किया था उस वाले सेकेंड रूम में, तो मैंने सोचा क्यों ना उसे ही कंप्लीट कर दिया जाए। आप इस बात से एग्री हो या ना हो भाई, मैं तो पूरा फुल एग्री हूँ कि मोटेल से भाई अच्छा खासा कमाई हो जाता है। सुपरमार्केट वगैरह से मुझे पता नहीं, बाकी मोटेल से भाई एकदम भर भर के कमाई होता है, क्योंकि यहाँ पे जितना भी पैसा आता है वो पूरे के पूरे बेनिफिट होता है। और सुपरमार्केट में भाई जो पैसा बिकता है उसे फिर मुझे सामान मंगाना पड़ता है, प्रोडक्ट मंगाना पड़ता है, तब जाके फिर कुछ बेनिफिट होता है। फिलहाल भाई सुपरमार्केट का जो कैशियर था वो जा चुका है, क्योंकि उसे मैंने 2 दिन के लिए रखा था और फिर से मैं 2 दिन के लिए उसे वापस बुला लेता हूं। फिलहाल भाई कैशियर भी हमारा आ चुका है सुपरमार्केट के अंदर एंड इसे मैं रख देता हूँ फ्रिज में, सॉरी फ्रिज के लिए नहीं है, ये रैक के लिए, क्योंकि भाई ये अलग ही तरह का प्रोडक्ट है जो कि मुझे पता नहीं है, नाम वगैरह मैं उतना देखता नहीं हूँ, बस मुझे पैसा कमाना है दबा के। एंड अभी फिलहाल मोटेल के दोनों रूम भाई गंदे पड़े हुए हैं, तो मैं दोनों को रूम को फटाफट साफ कर देता हूँ ताकि मैं फिर से इसे दोबारा रेंट पर लगा सकूँ। सो फर्स्ट रूम क्लियर हो चुका है एंड ये सेकेंड रूम भी मेरा क्लियर हो गया, अब मैं दोनों रूम को इजिली रेंट पर लगा सकता हूँ। बाकी सुपरमार्केट के कुछ सामान है जो कि अभी भी पड़े हुए हैं, उसे मुझे फटाफट अंदर करना पड़ेगा। बाकी ऑल राइट गाइस, तो यहाँ पे मैं जितने भी कस्टमर है उसे मैं दे देता हूँ रूम। $37 का इस दीदी को दिया एंड $68 का इस अंकल को दे देता हूँ। एंड जब तक भाई मोटेल में कस्टमर है तब तक मैं एक काम करता हूँ, सुपरमार्केट के जितने भी सामान मैंने ऑर्डर किया था उसे मैं अपने अपने जगह पे रख देता हूँ, ताकि सेलिंग मेरा सुपरमार्केट का रुकना नहीं चाहिए, क्योंकि भाई पैसा है तो बड़ी बड़ी बातें हैं। सो जल्दी से मैं इसे अंदर कर लेता हूँ जितने भी सामान यहाँ पे बाहर पड़े हुए हैं। ऑल राइट गाइस, तो जितना भी सामान था वो मैं एक एक करके लाकर और सारे के सारे सुपरमार्केट में रख चुका हूँ। अभी भी कुछ प्रोडक्ट पड़े हुए हैं, उन्हें मैं बाद में अंदर कर दूंगा, क्योंकि यहाँ पे मोटेल वाले जो कस्टमर है वो वेट कर रहे हैं। तो मैं फटाफट से रूम को क्लीन कर लेता हूँ ताकि जो कस्टमर वहाँ पे खड़े हैं उन्हें मैं दोबारा रूम अपना रेंट पर दे सकता हूँ। तो फटाफट से मैं क्लीन कर लेता हूँ एंड रूम हो चुका है पूरा क्लीन। अब मैं दोनों रूम को रेंट पर देने वाला हूँ और सुपरमार्केट में हमारा कैशियर अपना काम कर रहा है और वहाँ पे प्रोडक्ट भी पूरा भर भर के है, तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। तो फटाफट से मैं इसे दे देता हूँ रूम फर्स्ट वाला 101 नंबर इसे और 102 नंबर वाले इस मैडम को दे देता हूँ, ताकि भाई दोनों से पैसा भर के आए। और देखो मैं अभी बहुत सारे चीज़ों को ओपन करने वाला हूँ, हो सकता है इस वीडियो में मैं काफ़ी चीज़ को ओपन ना कर पाऊँ, बट नेक्स्ट पार्ट में काफ़ी चीज़ ओपन करने वाला। बाकी देखो फिलहाल मेरे पास 1000 है, तो मैं इस गेस्ट असिस्टेंट को एक बाय कर देता हूँ, ताकि भाई मेरे पास मल्टीपल रिसोर्स बन जाए पैसे कमाने के। देखो मेरे पास सुपरमार्केट है, मोटेल है और गेस्ट स्टेशन, मतलब 3 साइड से मेरे पास पैसे आने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं गेस्ट स्टेशन के लिए फ्यूल ऑर्डर कर देता हूँ और यहाँ से मैं एक कैशियर को भी हायर करने वाला हूँ 2 दिन के लिए, और जो कि भाई मुझसे दवा के पैसा लेने वाला है। एंड उससे पहले मुझे भाई यहाँ पे गेस्ट स्टेशन को ऑन करना पड़ेगा, तब जाके मैं कैशियर को हायर कर पाऊंगा। तो मेरे पास उतने पैसे नहीं है, तो मैं इसे 1 दिन के लिए हायर कर लिया हूँ और यहाँ पे वो आ ही रहा होगा। एंड फिलहाल अपना कैशियर भी आ चुका है एंड भाई बढ़िया से काम करना वरना पिछवाड़े पे लठ बरसेगी। देखो भाई मेरे पास 3 जगह से पैसे आने वाले हैं, एक मोटेल से, एक सुपरमार्केट से और गेस्ट स्टेशन से। तो आप समझ सकते हो कि अब कितनी रफ्तार से मैं आगे बढ़ने वाला हूँ। मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था कि स्टार्टिंग में थोड़ी दिक्कत करनी होती है, बाकी जैसे ही एक बार ग्रोथ पकड़ लेता है फिर भाई वो रुकने का नाम नहीं लेता है। एंड दोनों रूम को मैंने कर दिया क्लीन, अब मैं इसे लगाने वाला हूँ रेंट पर। तो चलते हैं अंदर एंड देते हैं 2 कस्टमर को 2 रूम। तो दोनों रूम को अभी मैं लगाने वाला हूँ रेंट पर। $37 वाले मैंने दिया इस अंकल को एंड $68 वाले इस आंटी को देने वाला हूँ। सो यहाँ पे हो चुका है हमारा रूम फिर से फुल, क्योंकि भाई अभी हमारे पास 2 रूम है, तो फटाफट से फुल भी हो जा रहा है और खाली भी हो जा रहा है। फिलहाल ये जो 2 बॉक्स पड़े हैं वो मैं सुपरमार्केट के अंदर रख देता हूँ, ताकि भाई ये लापरवाह की तरह पड़े ना रहे बाजार में। एंड ये रहा लास्ट बॉक्स जो कि मैं रखने वाला हूँ फ्रिज में, जो कि है स्लाइस वगैरह कुछ है भाई ड्रिंक करने की चीज, वो मैं बाद में पी भी लूंगा, क्योंकि मेरा सुपरमार्केट है तो मैं यहाँ पे कुछ भी कर सकता हूँ। एंड देखो इस वाले पार्ट में मैं कुछ ज्यादा अचीवमेंट नहीं कर पाया, बट हाँ ग्रोथ करने के लिए मैं काफी कुछ यहाँ पे अनलॉक कर लिया। अब देखो नेक्स्ट वाले वीडियो में आपको और भी जबरदस्त तरीके से देखने को मिलेगा। सो सब्सक्राइब जरूर करके रखना, बेल आइकन को भी दबा देना, ताकि न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन तक सबसे पहले पहुंचे। सो बाय बाय।
एंड टेक केयर।